जावर स्क्रिप्ट डेट जावर स्क्रिप्ट में डेट जो है वो एज अ स्ट्रिंग भी रिप्रेजेंट होती है और एज अ नंबर भी जावर स्क्रिप्ट में जब हम डेट को एज अ नंबर रिप्रेजेंट करते हैं तो देट इज नॉर्मली इन मिली सेकेंड सिंस द फर्स्ट जनवरी नाइनटीन सेवेंटी उस वक्त से लेकर अब तो जितने मिली सेकेंड हो चुके हैं उसके अंदर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेट को एक एग्जाम्पल में देखते हैं यहां पर वी कैन यूज़ द डेट ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले डेट एनी वे वी वॉन्ट लाइक यहाँ पर हमने पैराग्राफ के टैग के अंदर हमने उसके इनर एस्टिमल के अंदर जो है वो डेट को डिस्प्ले किया है डेट का जो ऑब्जेक्ट है ये हम अलाउ करता है हमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो कि हमें हम किसी भी डेट के ऊपर करना चाहें डेट uh, के अंदर हमारे पास यर मंथ डेट स्पेसिफिक और फिर इसी तरह आवर मिनट मिली सेकंड तक सेकेंड्स एंड मिली सेकंड हमारे पास स्टोर होते हैं डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम सिमिलर मेथड यूज करते हैं कीवर्ड यूज करते हैं न्यू का न्यू एंड फिर ऑब्जेक्ट जो है डेट का इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास कितने कंस्ट्रक्टर अवेलेबल हैं हमारे पास चार कंस्ट्रक्टर uh, के मेथड्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं डेट का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट वन विदाउट एनी पैरामीटर जो कि हमें रिटर्न करेगा टूडे की डेट इस वक्त करंट जिस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस टाइम की जो भी डेट होगी वो ये उसको रिप्रेजेंट करेगा इसी तरह हम मिली सेकंड्स दे सकते हैं एज ए वैल्यू तो वो वो डेट क्रिएट करेगा जो कि उस पर्टिकुलर मिली सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रही है रिमेंबर कि ये मिली सेकेंड जो हैं ये सिंस फर्स्ट जैन 1970 से काउंट होते हैं इसी तरह से हम डेट स्ट्रिंग दे सकते हैं और हम इस अलग अलग पैरामीटर्स में इसी सीक्वेंस में ईयर मंथ डे आवर्स मिनट सेकेंड एंड मिली सेकेंड भी दे सकते हैं यूजिंग न्यू डेट और नंबर का जो मेथड है जिसमें हमें एक स्पेसिफिक नंबर देंगे वो हमेशा जीरो टाइम प्लस जो हमें उसको नंबर दिया है मिली सेकेंड में उसके हिसाब से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा रिमेंबर के जावे के अंदर जीरो टाइम इज कंसिडर्ड सिंस फर्स्ट जनवरी 1970. यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर हमने डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यूजिंग अ द वैल्यू जो कि मिली सेकेंड में काउंट होता है हम हमारे पास जो एक और कंस्ट्रक्टर है जो कि हम काफी यूज करते हैं दैट इज जो कि इसमें सेवन पैरामीटर्स हम देते हैं रिमेंबर कि ये सेवन पैरामीटर्स हमेशा इसी सीक्वेंस में होने चाहिए ये मंथ डे आवर मिनट सेकेंड एंड देन मिली सेकेंड यहां हमने एग्जाम्पल में डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यूजिंग द ईयर नाइनटीन नाइन्टी नाइन फिर हमने मंथ स्पेसीफाई किया है डे एंड सोन रिम्बर के इस पर्टिकुलर मैथड को अगर हम चाहें तो इसके लास्ट जो चार पैरामीटर है वो हम ओमिट भी कर सकते हैं हम इसमें टाइम ना स्पेसीफाई करें हम सिर्फ ईयर मंथ और डे स्पेसीफाई करके भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द सेम कंस्ट्रक्टर हमारे पास जब डेट का ऑब्जेक्ट एक दफ़ा क्रिएट हो जाता है तो हम उसके ऊपर काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं टू ऑपरेट ऑन डेट्स हम डेट की कंपेरिजन कर सकते हैं और इसी तरीके से uh, मुख्तलिफ डेट्स को चेंज कर सकते हैं उनके स्पेसिफिक मंथ किसी एक स्पेसिफिक उसका डे चेंज कर सकते हैं या हम गेट कर सकते हैं उसका स्पेसिफिक टाइम डेट मंथ ईयर कोई भी एक स्पेसिफिक हम चीज़ जो चाहें रिमेंबर के जब भी हम एक डेट के ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करते हैं एस टी एमएल में तो बाई डिफॉल्ट वो टू स्ट्रिंग का मैथड कॉल करता है लाइक इन दिस एग्जाम्पल हमने एक डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने खुद उसको टू स्ट्रिंग का मैथड यहां पे कॉल किया है इफ अगर हम उसको टू स्ट्रिंग का मैथड खुद ना कॉल करें और सिर्फ डी को असाइन करें तो इट विल ऑटोमेटिकली कॉल इट्स टू स्ट्रिंग मैथड सिमिलरली हमारे पास डेट के ऑब्जेक्ट में टू यूटीसी स्ट्रिंग का मैथड है जो कि कन्वर्ट करता है डेट को उसकी यूटीसी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग में रिमेम्बर के यूटीसी वैल्यू इज सेम एज एजीएमटी वैल्यू द डेट इसी तरह से हमारे पास टू डेट स्ट्रिंग है मैथड जो कि कन्वर्ट करता है डेट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे हम इसकी आर्ग्यूमेंट के अंदर डेट की स्ट्रिंग के मुख्तलिफॉर्मेट भी स्पेसीफाई कर सकते हैं अगर हम फॉर्मेट स्पेसिफाई ना करें तो वो डिफॉल्ट ब्राउजर में जो भी हमारे पास डेट फॉर्मेट सेट होगा उस फॉर्मेट में हमें डेट को रिटर्न कर देगा दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर डेट ऑब्जेक्ट इन जबर स्क्रिप्ट